नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी एटीएस के सामने आतंकियों ने वो बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और उस खुलासे के बाद आतंकियों ने छापेमारी कई की है और लगभग एक दर्जन से ज़्यादा आतंकियों को उठाया है। कौन कौन सी चीज़ें आई हैं उसके बाद ये सब कुछ जब योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के, तो उन्होंने की है बड़ी कार्रवाई। आगे दिखाने जाता हूँ को खुलासे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके पड़ोस में रहने वाला अब्दुल, आपके पड़ोस में रहने वाला सलीम या कोई भी नाम ले रहा हूँ, खास समुदाय के लोग आखिर कर क्या रहे हैं और ये सारे के सारे जो पकड़े भी गए हैं उसके अलावा वो सारे भी कौन थे, वो सारे भी एक खास समुदाय के ही थे। चलिए ले चलता हूँ खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर, आपसे अनुरोध करूँगा ये जो यूपीएटीएस का ये पूरा का पूरा कारनामा है इसको हर एक फोन तक पहुँचा दीजिए। और इन आतंकवादियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो स्लीपर सेल बन करके किसी के, यहाँ साहब स्लीपर सेल बन करके किसी के भी घर में बैठे रहते हैं दुबके हुए और जब मौका मिलता है तो लोगों के जो बेजुबानों मतलब बेगुनाहों की ये जान ले लेते हैं। आपको बताता हूँ क्या है पूरा का पूरा या क्या, और जो ये खुलासे हैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ वो होश उड़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस की आतंकियों के पास कई प्रमुख जगहों के नक्शे मिले हैं और आतंकवादियों के पास सबसे अहम बात है अयोध्या के राम जो मंदिर है उसके आसपास की रेकी की हुई पूरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, नक्शे मिले हैं। इसके अलावा काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के भी नक्शे एटीएस के आतंकियों के पास मिले हैं। यानी कि साफ तौर पर इन लोगों ने ये साजिश रची थी कि जो धर्म स्थल है, धार्मिक स्थान है, उनको टारगेट किया जाएगा और वहाँ पर जो कहीं ना कहीं बेगुनाहों और धर्म स्थलों पर लोगों को जो पुजारी हैं, साधु संत हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। और इस सब के बीच में आगे और बताते हैं क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस ने इनके जब भी इनको पकड़ा है और एक एक चीज़ें उगलवाई हैं उसके बाद एक के बाद एक एक दर्जन से भी ज़्यादा पूरी यूपी में आतंकवादियों को उठाया गया है। मैं आपको बताऊँ सबसे अहम बात है उन नक्शों की, नक्शों को अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया था, मतलब कि वो नक्शे नहीं मिले हैं, उनको पॉइंट आउट किया गया था कि शायद वो ये करने की कोशिश किया गया था कि जिस जगह पे उनको टारगेट करना था उस चीज़ को चिन्हित किया गया था। गोरखपुर के भी एक इलाके के डिटेल आतंकियों के पास यूपी एटीएस को मिली है। आपको बता दूं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में सार्वजनिक और धर्म स्थलों की डिटेल भी गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से बरामद की गई है। एटीएस ने हाथ में टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, चैट भी लगी है जो इन सब ने मिल करके आतंकवादियों ने पूरी तरह से एक साजिश के तहत ये पूरी प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग का पूरी तरह से यूपी को चुनाव से पहले दहलाने की पूरी कोशिश थी और इससे सीधे तौर पर राजनीतिक फ़ायदा शायद उठाने की कोशिश थी। ये तो बात की बात है क्योंकि इस समय पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ या मोदी जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहें, वो चाहते हैं कि इनके सत्ता चली जाए जिससे आने वाले वक्त में वो लोग अपने पैर को आतंकियों को यहाँ पर पसार सकें। आपको बता दें कि एटीएस ने पिछले 24 घंटे में एक दर्जन से भी ज़्यादा संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच कानपुर के कुछ युवा जिस गिरोह में शामिल थे, जहां साहब और सक्रिय रूप से आतंकवादियों के संपर्क में थे, इसमें बता दूं कि एटीएस की टीम ने कानपुर के चमनगंज और पेच बाग में जाजामऊ में छापेमारी की है, उस छापेमारी करके चार युवाओं को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। एटीएस की तीन टीमें अभी कानपुर में वहाँ पर हैं। एटीएस के कुछ दस्तावेज भी कानपुर और लखनऊ ले आई है कानपुर से, यानी कि बहुत बड़े प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया जा रहा था। गौरतलब बता दूं कि इंडियन मुजाहिदीन, हुजी और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के आतंकी भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते थे। 23 नवंबर 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सिलसिलेवार जो ब्लास्ट किए गए थे इसी टिफिन के बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसे प्रेशर कुकर बम की तर्ज पर तैयार किया गया था। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और हुजी आतंकियों को मिलकर अंजाम दिया था।
पर आपको बता दें कि लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान बापी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ी हुई है। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ प्रस्तावित माफ कीजिएगा वाराणसी प्रस्तावित दौरा भी है। पीएम के दौरे से को देखते हुए चप्पे चप्पे पर इस समय नजर रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक बात तो साफ है कि जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी पूरी तरह से ये प्लानिंग करके आए थे कि अब किसी न किसी तरह से आतंक कहीं ना कहीं पूरी यूपी को धलाने की साजिश थी। और ये बहुत दिनों से कुछ लोग पाकिस्तान के शहर में रहकर, पाकिस्तान का बयान जब राम मंदिर पर फैसला आता है तो पाकिस्तान का भी बयान आया था कि राम मंदिर पर फैसला एक खास धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर था या जो भी यहाँ के मंदिर हैं उनको टारगेट करके यहाँ पर अशांति फैलाई जाए, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाई जाए और इससे जनता जो होगी वो उग्र होगी सरकार के खिलाफ। और सरकार सत्ता में रह बैठे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाए। और पाकिस्तान तो चाहता यही है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सत्ता गई उस दिन यूपी में भी कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होंगे या पूरे देश में बम ब्लास्ट होंगे। आपको 2014 से पहले की कहानी याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हुआ करते थे और पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों का क्या काम था आप सभी बेहतर जानते हैं, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ साफ़ हो जाती है। इन सब चीज़ के बाद सबसे पहली बात ये तो साफ़ हो जाती है कि आज जो ये पूरी की पूरी घटना हुई है और उससे पहले कांड करने से पहले इन आतंकियों को दबोच लिया गया है, ये हमारे UPATS, ये हमारे पुलिस, ये हमारी सरकार, हमारी खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कामयाबी है। जिसको लेकर अखिलेश यादव इवन मायावती ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि UPATS के जो जिन्होंने ये आतंकी कार्रवाई की, आतंकवादी को पकड़ने की कार्रवाई की है, ये उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव का आपने पहले बयान सुना होगा शायद कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें UPATS और पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो कि वो 5 साल खुद उसी UPATS और उसी पुलिस के हेड कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर थे और उनके अंडर में वो पूरी टीम आती थी। यानी कि अखिलेश यादव को UPATS और पुलिस पर भरोसा नहीं है। मायावती भी सत्ता में बहुतों साल रह चुकी हैं, उन्होंने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खुद बताइए कि आतंकवादियों की जो कारनामे हैं वो आप किस तरह से देखते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हर एक फ़ोन तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। और हाँ, क्या आप सहमत हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये कार्रवाई UPATS ने की उनके उसमें नेतृत्व में, क्या अखिलेश यादव और मायावती का जो बयान है वो बयान आपको लगता है कि वो बयान सही दिया गया है? क्या UPATS ने गलत कर रही है आतंकियों को पकड़ कर? क्या योगी आदित्यनाथ आतंकियों को पकड़वा कर गलत कर रहे हैं? क्या उनके साथ जो अभी कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही है वो गलत हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो को लाइक करें। बने रहे ऑल इंडिया न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।